किसानों को 72,000 करोड़ रुपए मिलेंगे तो 10-15 दिन के अंदर हमने कर दिया। अगर हमने आपसे कहा, कांग्रेस ने कहा, अगर कांग्रेस ने कहा मेट्रो की जरूरत है, अगर हम आपको आज कह रहे हैं कि पोल्यूशन के बारे में, इस गंध के बारे में कुछ करना चाहिए, तो मैं आपको यहां से गारंटी करके कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप मेरे सब भाषण सुन लो, मैं अब 15 साल से राजनीति में हूं, अगर मेरे भाषण में आपको एक झूठ सुनाई दे जाए, एक भाषण में एक झूठ कि राहुल गांधी ने किसी को झूठ बोला हो, एक भाषण में, ये आप केजरीवाल जी का भाषण सुनो, नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनो, अमित शाह का भाषण सुनो ही मत, टाइम जाया मत करो, उसका भाषण को सुनने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ कचरा है। नरेंद्र मोदी का सुनो, उसमें झूठ मिलेगा। केजरीवाल जी के भाषण को सुनो, उसमें झूठ मिलेगा। अगर मैंने कहा कि देखो किसानों को 72,000 करोड़ रुपए मिलेंगे तो 10-15 दिन के अंदर हमने कर दिया। साथियों, वीडियो को एक लाइक कीजिए। इधर कर्ज माफी को लेकर पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन हुआ, जिसमें 40 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हुई। सबसे ज़्यादा असर जम्मू से आने वाली ट्रेनों पर और वैष्णो देवी पर गई श्रद्धालुओं पर हुआ। दोस्तों, एक तरफ सरकार किसानों का कर्ज माफी का वादा कर रही है, दूसरे किसान संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर अड़े हुए हैं। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दीजिए।